अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज मैंने आपको सोचा कि चले मैं दिखा दूँ। तो ये आज मैं जमात के साथ आया हूँ 3 दिन के लिए। तो ये पिछले दिनों में मैं जॉब के लिए गया था, तो जॉब नहीं मिली मुझे, उनके बंदे पूरे हो गए थे। तो मैंने सोचा, तो उसने बोला कि यार तू ना जमात के साथ जा, तो अल्लाह ख्याल करेगा। तो आज मैं ये जमात के साथ आया हूँ, दूसरा दिन है मेरा। ये पीछे आपको मस्जिद दिख रही होगी, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी वीडियो बना दें और आपको दिखा दें। तो जॉब के लिए यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई मिल जाए, और ये रमज़ान का महीना है, तो मैंने सोचा कि चलें कोई थोड़ा सा साथ लातोबा भी हो जाए, जमात के साथ जाना भी चाहिए, वैसे भी जाना चाहिए, जो आपके मामला तो इस नियत से भी जाएँ, अल्लाह पाक उनको पूरा करता है। तो ये मेरे पीछे मस्जिद है, ये देखें, मैंने सोचा कि चलें आपको दिखा दूँ। और इसी के साथ जाने दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कि वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे शीशे में तो पर्दे पर्दे कर बंदे नजर आ रहे हैं, लोग भी सवेरे लोग आ गया, चले जाते शाम हो जाती, अल्लाह पाक उसको फिर सारी रात में वही कर देता है, यहाँ कर उसी हालत में उसी मोटाई पर कर देता है। अब उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ही उसके दिमाग में डालेगा बात, फिर कहेगा इंशाल्लाह सवेरे जरा ने मौका कर दिया, वो उसी वक्त टूट जाए जहाँ उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह सुबह करेंगे। अब आज हम वापस आ चुके हैं अपने घर में 3 दिन का जमात के साथ टाइम गुजारने के बाद। जमात के साथ गए थे तो आज हमारी वापसी हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का माह चल रहा है, और अभी थोड़ा सा इफ्तारी का टाइम तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चले आपको बता दूँ कि हम वापस आ चुके हैं, और इस तरह की वीडियोज़ मैं डेली अपलोड किया करूँगा। इसके साथ ज़्यादा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।